तो भाई चाक दो मुझे। बता रहा है। देखो कक्षा 11 12 वाले हो ना, आपसे पूछेगा जीव विज्ञान क्या है, तो आप कहेंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों व पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, अरस्तु है। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन भाई, अरस्तु है। अब जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं जो हमें पढ़नी है, वो कौन सी, पहली है कौन सी, पहली है जीव विज्ञान की दो शाखाएं जो हमें पढ़नी है वो कौन सी भाई, दो शाखाएं, पहली है जंतु विज्ञान और दूसरी क्यों कौन है, वनस्पति विज्ञान, है ना। अब जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, जंतु विज्ञान। तो हम कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका, जीव जंतुओं का, हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जन्मदाता कौन है, इसके जन्मदाता अरस्तु है, ठीक है। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की, तो कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों और किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पति का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। एक चीज देखिएगा, हमें पहले यह पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे, आपको मालूम है पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो पेड़ कितने प्रकार के होते हैं भाई, तीन प्रकार के होते हैं। पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है साख, पहला क्या होता है भाई, साख, और दूसरा क्या होता है, झाड़ी, दूसरा क्या होता है, झाड़ी, और तीसरा क्या होता है, वृक्ष, ठीक है। समझ लीजिए कक्षा 12 ध्यान देना भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साख, साख का मतलब वह जिसकी पत्ती और तना दोनों क्या हो, कोमल हो, क्या हो भाई, कोमल हो, उसे क्या कहते हैं, साख कहते हैं। जैसे हम बात कर ले किसकी, मेथी, ठीक है, धनिया, ठीक है, पालक, ये किसमें आते हैं। और जिसका सीधा उदाहरण हम गांव से एकदम आसान में लेके आएंगे, क्या भाई, बथुआ, समझ गए, ये क्या क्या है, ये साख। बात करते हैं झाड़ी की, तो झाड़ी वह होता है ऐसे पौधे जिनकी टहनियाँ आपस में क्या हो भाई, आपस में उलझी हों और शरीर पर क्या पाए जाएं, कांटे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गुलाब है ना, और दूसरा एक होता है झरबेल है ना, ये सब किस में आते हैं, आपने देखा ना गुलाब के शरीर पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं, उनकी टहनियां आपस में क्या होती हैं, उलझी हुई होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वृक्ष, तो अगर ये दोनों आपको आ गए तो ये आसानी से आ जाएगा, जिसका तना क्या होता है, कठोर होता है, क्या होता भाई, जिसका तना बहुत अधिक क्या होता है, कठोर होता है, और इन दोनों की अपेक्षा इसका जीवन काल क्या होता है भाई, अधिक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है, अब बात करते हैं हम जीव की, किसकी बात करते हैं, जीव की। आपके पहले चैप्टर का नाम है भाई जीवों में जनन, जीव जनन कैसे करते हैं, तो उससे पहले आप जीव जान जाइए कि जीव होता क्या है। तो जीव किसे कहते हैं, तो जीव क्या होता है, जीव वह होता है जो क्या करता है, वृद्धि करता है, भोजन करता है, गति करता है, श्वसन करता है ना, उपापचय करता है, इन सभी क्रियाएं जिस जीव के अंदर या जिसके भी अंदर ये सारी क्रियाएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे, जीव कहेंगे। तो जीव वह होता है जो वृद्धि, उपापचय, जनन, गति, भोजन आदि क्रियाएं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, समझा की बात। या दूसरी भाषा में आप कहें जिसमें जीवन होता है, जिसमें
जीवन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जीव के लक्षण में तो आप लिख ही लेंगे कि जीव के लक्षण क्या है। तो जीव वाह होता है, पहला लक्षण उसका क्या होता है भाई, भोजन। पहला लक्षण क्या होता है, भोजन। अब कोई पूछेगा कि भोजन किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वह भोज्य पदार्थ जो ऊर्जा के लिए ग्रहण किया जाता है, वह भोज्य पदार्थ जो ऊर्जा के लिए ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। दूसरे की बात कर लेंगे, किसकी, हम श्वसन की। तो वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, मुक्त करना या छोड़ देना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब बात करते हैं जनन की। किसकी बात करेंगे, जनन की। तो जो आपका चैप्टर भी यही है, तो जनन क्या होता है कि अपने समान जीवों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव अपने ही समान जीव को क्या करता है, जन्म देता है। हमें यही पढ़ना है। अब आगे बात करेंगे, अब आपका चैप्टर यहां से शुरू होता है, जीवन अवधि क्या चीज है, है ना। जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो आपको मालूम है कि जीवन अवधि कोई जीव पृथ्वी पर, है ना, या किसी जीव का जीवन या किसी जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर जितने दिनों तक बना रहता है उसे उस जीव का क्या कहते हैं, जीवन अवधि। नहीं कहते आप कितने साल जिए थे, तो जितने साल वो जिए वो उसको क्या कहलाएगा, जीवन अवधि कहलाएगा। मतलब कोई जीव है उसका क्या वायुमंडल में, या कह सकते हैं पृथ्वी पर कोई जीव या किसी जीव का जीवन काल ही उस जीव का क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। मतलब वो कितना दिन तक जिंदा रहा। अब जीवन अवधि जैसे मान लेते हैं भाई, आम का पेड़ का बात कर लेते हैं, आम के पेड़ की बात कर ले भाई, आम का पेड़ कितने दिन तक जिया, मान लेते हैं आम का पेड़ 20 साल तक जिया, है ना। तो ये क्या है, ये 20 साल क्या है, उसकी क्या है, जीवन अवधि है। समझा नहीं बात। चलो अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर की कि जनन क्या होता है। अभी मैं इसके पहले भी आपको समझाया कि जनन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जनन, है ना, प्रत्येक जीव का अपने समान जीवों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। भाई अपने समान ही जीव को जन्म देगा, कुत्ता हाथी थोड़ी पैदा कर देगा, है ना, समझ रहे बात को। मतलब क्या करना है कि प्रत्येक जीव अपने समान जीव को जन्म देता है। अगर जनन से हटा दिया जाए, जनन को कि हर जीव के क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, जैसे मान लेते हैं सबकी जिंदगी से जनन हटा दिया गया, तो हम अपनी पीढ़ी के क्या होंगे, आखिरी मानव होंगे। इसके बाद कुत्ता बिल्ली सुनाएंगे कि हम लोगों के जमाने में क्या हुआ करते थे, मानव हुआ करते थे, है ना। या अगर कुत्ता जनन ना करे, है ना, जनन ना करे, तो हम कहानियां सुनाने लगेंगे कि हम लोगों के जमाने में कुत्ता हुआ करते, कुछ दौड़ा काटते थे, है कि नहीं, तब आप पूछेंगे ना। लेकिन क्या है, जनन क्या काम करता है कि प्रत्येक जीव को उसके अस्तित्व को बनाए रखता है। कोई जीव जनन क्यों करता है, अपने आप को या अपनी जाति को, हमारी जाति क्या है भाई, मानव है। प्रत्येक जीव का अपने जाति को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। हर जीव चाहता है कि वो अस्तित्व में क्या के बना रहे। तो अगर जनन को किसी भी जीव की जिंदगी से हटा दिया जाए तो वो क्या होगा, उस जीव का विकास वहीं, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, विलुप्त प्रजाति में। अब आ रहे हैं ना कुछ जीव जो विलुप्त, जैसे गिद्ध आप देख ही रहे हैं, हमारे एरिया से काला वाला कौए गायब हो गया ना, तो उसका है ना, अब वो जनन तो नहीं है, वो तो कुछ पर्यावरण की भी वजह से है भाई, जरूरी नहीं कि जनन नहीं करते। कहीं कहीं तो मैं गया हूँ भाई, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि वहाँ पे आज भी वो वाले कौए पाए जाते हैं, काले वाले, हमारे यहाँ तो गायब हो गए, गिद्ध गायब हो गए, बाज तो शायद देखने को मिल जाते कभी कभार, है ना, वो छोड़ी नील गाय तो गायब हो गई, पहले तो खेत में मिल भी जाती थी, अब तो एकदम गायब हो गई, है ना। चले अब बात करते हैं कि जनन के प्रकार, जीव जनन कितनी तरह से करते हैं। तो जीव कितनी तरह से जनन करते हैं, जीव दो तरह से जनन करते हैं। पहले जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन और दूसरे जनन को कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, वह जनन, अलैंगिक मतलब बिना लिंग के, वह जनन जिसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती, या ऐसा जनन जिसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। इसमें केवल एक ही जीव क्या कर सकता है, संतत की उत्पत्ति कर सकता है। केवल एक जीव ही संतान की उत्पत्ति
कर सकता है तो उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। समझ गई बात को? चलिए, मतलब अलैंगिक जनन आपसे कोई पूछेगा तो सबसे आसान है अलैंगिक, बिना लिंग के, जिसमें किसी लिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जीव, कोई एकल जीव ही संतान की उत्पत्ति कर दे, उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। समझ आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक का मतलब लिंग से है, ऐसा जनन जिसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा जनन जिसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। जैसे मनुष्य कौन सा जनन करता है भाई? लैंगिक जनन करता है। क्यों लैंगिक जनन? क्योंकि इसमें नर व मादा दोनों अलग अलग, और अगर एक को हटा दिया जाए, आप सोचे नर हटा दे तो क्या केवल मादा? नहीं, केवल मादा अकेले नहीं कर सकती भाई। आपको मैं इसके पहले पढ़ाया हूँ शुक्राणु के बारे में ना, कि जब तक शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा कभी भी किसी संतान की उत्पत्ति नहीं होने वाली। समझ रहे हो बात को? आगे बात करते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। लैंगिक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अलैंगिक समझ लीजिए। अलैंगिक की कितनी विधियाँ होती हैं, है ना? अलैंगिक जनन कैसे जीव करते हैं, किस तरह से करते हैं वो समझिए, ठीक है? तो अलैंगिक जनन की पहली विधि होती है विखंडन। कौन सी विधि? विखंडन। हम समझते हैं विखंडन विधि क्या होती है, है ना? तो विखंडन में होता क्या है कि कोई जीव अपने ही शरीर को क्या करता है? तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता, समझिए। हम इसका उदाहरण है, विखंडन का उदाहरण है अमीबा। क्या है भाई? अमीबा। देखिए अमीबा कैसे जनन करता है। यह है एक परिपक्व अमीबा, ठीक? जब यह परिपक्व हो जाता है, जब यह जनन योग्य हो जाता है, तो यह अपने केंद्रक को क्या करता है? ये अपने केंद्रक को धीरे धीरे दो भागों में तोड़ने लगता है। ये अपने केंद्रक को धीरे धीरे क्या करता है? दो भागों में तोड़ने लगता है, और धीरे धीरे वह केंद्रक क्या करता है? धीरे धीरे वह केंद्रक क्या होता है? धीरे धीरे वह केंद्रक, देखिए समझते चलिएगा, अब यहाँ केंद्रक था, वो दो भागों में टूटा और वो क्या हो गया? दो अलग अलग जीवों में बटने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर क्या होने लगा? दो अलग अलग जीवों में बटने लगा, और अंत में वो क्या करता है? दो अलग अलग जीव के रूप में क्या करता है? विकास करता है। ये है उसकी क्या? संतति। समझ गए बात को? अलैंगिक जनन की विधि कौन सी हम पढ़ रहे हैं? विखंडन। इसमें क्या होता है कि कोई जीव अपने शरीर को क्या करता है? दो भागों में क्या करता है? विखंडित करता है। जैसे अमीबा क्या करता है? देखिए इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? वो सूचना देता है। अगर डीएनए सूचना दे जब भ्रूण में, जैसे हमारा जब निर्माण कहाँ हो रहा होगा? जब हम गर्भ में, जब हमारा निर्माण होगा, अगर डीएनए ये सूचना दे दिया कि हमारे पास कितनी आँखें हैं? तीन आँखें हैं, तो हमारे पास कितनी आँखें बनेंगी? तीन। एक तरह से कहें तो डीएनए ठेकेदार है आपका। आपका अगर घर बनवाना है, मान लेते हैं आपका घर बनवाना है, आप कहेंगे भैया चार कोठरी बनाना, और आप पैसा कितनी कोठरी दिए? दो। और ठेकेदार कहेगा कितनी कोठरी बनेगी? दो। तो जो लेबर है, जो मजदूर है, वो कितने कोठरी बनाएंगे? दो बनाएंगे। तो डीएनए एक तरह का क्या है? ठेका लेता भैया कि आपका कितनी यहाँ गड़बड़ बनेगी, कितनी सही बनने वाली। समझ रहे हैं बात को? चलिए समझ में आ गया। ये है विखंडन। इसमें क्या होता है? जब कोई जीव अपने ही शरीर को, पहले सबसे पहले उसका केंद्रक दो भागों में धीरे धीरे टूटेगा, और वो धीरे धीरे क्या होगा? बटने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? और बटने के बाद वो क्या करेगा? दो अलग अलग जीव के रूप में क्या होगा? विकसित हो जाएगा। आगे चल के ये जीव जब ये परिपक्व होंगे, तो आगे चल के ये क्या करेंगे? ये परिपक्व होने के बाद दो अलग अलग जीव के रूप में ये विकास करेंगे। समझ रहे बात को? चलिए आगे बात करते हैं। विखंडन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी? मुकुलन की बात करेंगे। किसकी? मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? इसमें कोई जीव है ना, इसमें किसी जीव के शरीर से क्या निकलती है? एक कली निकलती है। क्या निकलती है? कली निकलती है, जो आगे चल के मात्र कोशिका से क्या होती है? अलग हो जाती है। क्या करती है? मात्र कोशिका से अलग हो जाती है। जैसे समझ लीजिए इसका उदाहरण है भाई हाइड्रा। इसका उदाहरण क्या है? हाइड्रा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? हाइड्रा। इसमें क्या होता है? आपसे कोई पूछेगा मुकुलन। मुकुलन हम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? मुकुलन। इसमें जीव के शरीर से एक कली निकलती है। इसमें
जीव के शरीर से क्या निकलती है, एक कली निकलती है और वो धीरे धीरे क्या करती है, वो धीरे धीरे मात्र कोशिका से अलग हो जाती है, वो धीरे धीरे मात्र कोशिका से अलग हो जाती है और आगे चल के क्या एक परिपक्व जीव के रूप में क्या करती है, विकास करती है। हाइड्रा मुकुलन की बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा कैसे जनन करता है, तो मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। कैसे करता है, इसके शरीर से क्या निकलती है, एक कली निकलती है, इसे बायोलॉजी की भाषा में कलिका बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कलिका। इसमें जीव के शरीर से एक कली निकलती है जो धीरे 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 दिन ब दिन क्या करती है, मात्र कोशिका से अलग होती है और बाद में एक परिपक्व जीव के रूप में क्या करती है, विकास करती है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं किसका भाई, पुटी भवन। हम किसको पढ़ेंगे, पुटी भवन, है ना। अब पुटी भवन समझ लीजिए कि पुटी भवन क्या होता है। देखिए ये भी किसमें पाया जाता है, इसका उदाहरण आपने पढ़ लिया किसका, इसका उदाहरण कौन है भाई, हाइड्रा। कौन है, अब पुटी भवन भी उदाहरण समझिए क्या है, अमीबा। कैसे करते हैं समझिए, इसमें होता क्या है कि विषम परिस्थिति में, मतलब जब अमीबा के जीवित रहने योग्य वातावरण नहीं रह जाता तो वो क्या काम करता है, विषम परिस्थिति में वह अपने पादाबों को क्या कर लेता है, संकुचित कर लेता है। ध्यान से समझिए, विषम परिस्थिति में अमीबा अपने पादाबों को क्या कर लेता है, संकुचित कर लेता है, एक तरह से कहे तो मोड़ लेता है, ठीक है, क्या करता है, संकुचित कर लेता है, मोड़ लेता है। और ठीक विषम परिस्थिति में अमीबा अपने पादाबों को संकुचित कर लेता है, मोड़ लेता है, और जब वो मोड़ लेता है तो उसके बाहर, उसके शरीर के बाहर तीन स्तरी एक परत बन जाती है जिसे क्या बोला जाता है, पुटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुटी बोला जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है पुटी भवन। और बाद में जब स्थितियां क्या होती हैं, जब स्थिति अनुकूल हो जाती है, जब स्थितियां क्या हो जाती हैं, अनुकूल, मतलब भाई जब इसके जीने के लायक या कह सकते हैं वातावरण इसके अनुसार नहीं होता तो ये अपने पादाबों को क्या करता है, संकुचित कर लेता। और जैसे ही अपने पादाबों को संकुचित कर लेता है, होता क्या है कि इसके शरीर के बाहर तीन स्तरी क्या बन जाती है, पुटी बन जाती है। और इस तीन स्तरी के पुटी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं। और बाद में होता क्या है, बाद में क्या होता है कि भाई जब पुटी भवन की प्रक्रिया हो जाती है तो जब स्थितियां क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं, क्या होती हैं, अनुकूल, जब स्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये अमीबा क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, विखंडित हो जाते हैं और कई अमीबा को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। कई अमीबा जब ये विखंडित होते हैं तो कई अमीबा को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। समझा की बात, चलो आगे बात करते हैं। हम कुटी भवन आ गया, अब बात करते हैं कायिक जनन की। किसकी बात करें, कायिक जनन। कायिक का मतलब क्या होता है कि जब पौधे के या जब जीव के किसी भी भाग से, जब जीव के किसी भी भाग से एक पौधे, एक जीव की उत्पत्ति हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया, उसे कहते हैं कायिक जनन। जैसे देखिए पौधे के किसी भाग, कायिक जनन का मतलब क्या है, कायिक जनन का मतलब क्या है कि पौधे के किसी भी भाग, एक दो तीन, तीनों समझ लीजिए, जड़, तना और पत्ती, जब पौधे के किसी भी भाग से एक जीव की उत्पत्ति हो, जब पौधे के किसी भी भाग से एक जीव की क्या हो, उत्पत्ति हो, उत्पत्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। समझिए कैसे, जैसे जड़ द्वारा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनको केवल जड़ से ही लगाया जा सकता है, जड़ से उगाया जा सकता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनियां काट के हम क्या करते हैं, एक पौधों को लगा देते हैं और वो आगे चल के एक पर, जैसे भाई गुलाब आप देख रहे हैं ना, गुलाब में आप क्या लगाते हैं, उसकी टहनी को काटते हैं, लगा देते हैं, आगे चल के वो एक गुलाब का पेड़ बन गया, होता है। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्ती जमीन पे गिरती है, जैसे क्या होता है, उनकी पत्ती क्या होती है, जमीन पे गिरती है और वहां से क्या निकलती हैं, जड़ें निकल जाती हैं और वो पौधा बन जाता है, समझ रहे हैं। जैसे इसके, इसका नाम समझ लीजिए, अजूबा का पेड़ आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है ब्रायोफिल्लम, क्या होता है भैया, ब्रायो
फिल्म, है ना। तो ये होता है कायिक जनन। जड़ तना पौधे के किसी भी भाग से एक नए जीव की क्या हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, उसे क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे। ठीक है, जड़ तना पत्ती तीनों आप समझ गए। अब बात करते हैं पुनरुद्भवन। हमारी उंगली कट जाती है, कभी उंगली काट के देखिए, आपकी अगर उंगली कट जाएगी तो आप नई उंगली नहीं आने वाली। लेकिन पौधों में क्या होता है कि जब पौधे के किसी कोई अंग क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और आगे चल के वो क्या हो जाता है, फिर उस अंग का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, पुनरुद्भवन, दोबारा उद्भव, दोबारा पैदा होना, दोबारा जन्म लेना। तो जब किसी जीव का कोई अंग क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और आगे चल के फिर उस अंग का क्या होता है, दोबारा निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। आप छिपकली देखे हैं, है ना। जब आप छिपकली के पास जाते हैं तो आपको क्या लगता है, आप छिपकली के पास जब जाते हैं तो वो अपनी, देखिए छिपकली बहुत चालाक है, जब आप उसके पास जाते हैं तो वो क्या करती है, वो अपनी पूंछ को क्या करती है, तोड़ देती है। क्या करती है, तोड़ देती है। आपसे कोई पूछेगा कि छिपकली अपनी पूंछ क्यों तोड़ती है, तो जब उसे ये महसूस होता है कि कोई उसका शिकार करने वाला है तो वो क्या करती है, अपनी पूंछ को तोड़ देती है। भाई जैसे वो पूंछ को तोड़ेगी आप कहां भाग के जाएंगे, आपका ध्यान कहां जाएगा, पूंछ की तरफ, तब तक वो गायब हो जाने की, समझ रहे। तो जब उसे लगता है कि कोई उसका शिकार करने वाला है, वो अपनी पूंछ को क्या करती है, गायब कर देती है, और कुछ दिन बाद देखेंगे उसके पास क्या है, एक नई पूंछ होती है, तो उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। जब कोई जीव किसी अंग का दोबारा निर्माण कर ले, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन, दोबारा पैदा होना कि एक ही अंग का। हम लोगों में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं है, वरना पता चले यहां से उंगली कट जाती तो नई उंगली आ सकती थी ना, लेकिन नहीं होता। तो वही होता है कि जब कोई जीव क्या करता है, किसी अंग का दोबारा निर्माण कर लेता है, दोबारा उत्पत्ति कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। ठीक है, अब लैंगिक जनन पढ़ने से पहले आप एक चीज समझ लीजिएगा, कोशिका विभाजन। किसी जीव का निर्माण होता कैसे है, तो कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, कोशिका का दो भागों में बंट जाना या दो से अधिक भागों में बंट जाना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब क्या है कि जब कोई एकल कोशिका दो कोशिकाओं में टूट जाए, कितनी कोशिकाओं में, दो कोशिकाओं में टूट जाए, तो उसे क्या कहते हैं, समसूत्री। क्या है भाई, समसूत्री। अरे दो सम संख्या है कि विषम संख्या, सम संख्या, है ना। कि जब कोई कोशिका कितनी कोशिकाओं में टूट जाती है, दो कोशिकाओं में टूट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। और दूसरा हम समझेंगे क्या, अर्धसूत्री विभाजन। तो जब कोई कोशिका कितने भागों में टूट जाए भाई, जब टूट जाने का मतलब क्या है, एक कोशिका, और जब कोई एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो, एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण हो, एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण हो भाई, देखिए एक दो तीन और चार, ये हो गई एकल कोशिका, और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे संतति कोशिका। क्या बोलेंगे, जब किसी कोशिका से या जब किसी एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो, दो कोशिकाओं का निर्माण, एकदम आसान लहजे में समझिए, जब एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो, दो कोशिका का निर्माण हो, तो वो क्या कहलाएगा, समसूत्री विभाजन। और जब एक अर्धसूत्री की बात कर ले, तो जब एक कोशिका कितनी कोशिकाओं, एक कोशिकाओं से या एक कोशिका से कितनी कोशिका, चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। एक बार चैप्टर फिर से देख लीजिए फटाफट। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु, कौन भाई, अरस्तु है। अब दूसरी बात करते हैं जीव। जीव क्या, जीव वह होता है जिसमें जीवन होता है। जीव वह होता है जिसमें जीवन होता है। अब कोई पूछेगा जीव के लक्षण कैसे, किसी चीज को मान ले, क्या ये कुर्सी जीव है, है ना, क्या ये पंखा या घर, ये क्या है, जीव है, नहीं, तो आप कैसे बताएंगे, किस आधार पर बताएंगे। तो जीव वह होता है, जीव का पहला लक्षण, जीव क्या करेगा, जीव होगा तो सबसे पहले श्वसन करेगा, सांस लेगा भाई वो, दूसरा भोजन, वृद्धि करेगा, गति करेगा, जनन करेगा, ये जीव के क्या है, लक्षण। जीवन अवधि, कोई जीव
कोई जीव वातावरण में जितने दिन तक अस्तित्व में रहता है, या कहेंगे किसी जीव का जीवन काल ही उसका क्या कहलाता है, जीवन अवधि। भैया हम जितने दिन तक जिंदा रहते हैं वही तो उसका जीवन अवधि है, ठीक है। बात करते हैं जनन, तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव की क्या करना, उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। बात करेंगे जनन के प्रकार, तो जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह होता है जिसमें नर व मादा की आवश्यकता पड़ती है, अलैंगिक जनन वह होता है जिसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां मैंने आपको बताया, विखंडन वह होता है जिसमें कोई जीव अपने ही शरीर को तोड़ के क्या करता है, दो या दो से अधिक जीव की क्या करता है, उत्पत्ति करता है, उसे विखंडन कहते हैं। मुकुलन क्या होता है भाई, विखंडन का उदाहरण अमीबा और मुकुलन की बात कर लें, तो मुकुलन में क्या है कि जब किसी जीव के शरीर से एक कली निकलती है और जो आगे चल के क्या होती है, मात्र कोशिका से या मात्र से अलग होकर एक नए जीव के रूप में क्या करती है, विकास करती है, तो उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। पुटी भवन का मतलब विषम परिस्थिति में अमीबा अपने पादाभों को क्या करता है, संकुचित कर लेता है, बटोर लेता है, सिकोड़ लेता है, है ना। और जब वो सिकोड़ लेता है तो उसके बाहर तीन परत बन जाती है, मतलब उसके बाहर एक कठोर परत बन जाती है। वो कितनी, उसके बाहर कितनी परत बनती है, वो तीन स्तरीय, तीन परत बन जाती है, जिससे क्या होता है, जिस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पुटी भवन। मतलब उस तीन परत के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं। उसके बाद फिर जब स्थिति अनुकूल होती है, अमीबा को लगता है कि हाँ अब मेरे जीने लायक स्थितियां हो गई है, तो वो क्या करता है, उसको क्या करता है, खोल देता है ना, पुटी टूट जाती है। उसी विधि को बीजाणु जनन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन। जब वो टूट के क्या करता है, कई अमीबा को जन्म देता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। कायिक जनन, जब पौधे के किसी भी भाग से, जड़ तना पत्ती से क्या हो, जीव का निर्माण हो जाए, किसी भी भाग से एक जीव की उत्पत्ति हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन। और पुनरुद्भवन, अभी बताया हूं कुछ ही टाइम पहले कि पुनरुद्भवन दोबारा पैदा होना, दोबारा जन्म लेना, जब किसी जीव का कोई अंग नष्ट हो जाता है और उस अंग का दोबारा दोबारा उद्भवन, दोबारा पैदा हो जाता है, दोबारा विकास हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका कोशिका विभाजन, तो कोशिका का बंटना, विभाजन मतलब बंटना होता है ना, कोशिका का दो या दो से अधिक भागों में बंट जाना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन जीवों में दो तरह का होता है भाई, पहला होता है समसूत्र विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्र विभाजन। तो समसूत्र विभाजन वह कि जब एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में टूट जाए भाई, दो कोशिकाओं में, है ना, एकल कोशिका दो कोशिकाओं में टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं, समसूत्र विभाजन। और जब कोई एक कोशिका क्या होती है, एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में बंट जाए, एक दो तीन और चार कोशिकाओं में, सबसे आसान समझेगा कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण समसूत्र विभाजन, एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण समसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र विभाजन, वेरी गुड, है ना। अर्धसूत्र देखिए, मनुष्य में अर्धसूत्र विभाजन केवल कब होता है, जनन में, जनन की प्रक्रिया में, ठीक है, याद रखिएगा, मनुष्य में केवल जनन के समय अर्धसूत्र विभाजन होता है, ठीक है। आपका पहला चैप्टर लगभग लगभग खत्म है, बाकी कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है, चलो।